इस साल जनवरी 2023 में 1 से 5 के बीच में सभी 5 प्लैनेट्स नग्न आंखों से एक ही दृश्य में दिखाई देंगे। सूर्यास्त के समय मरकरी, वीनस और सैटर्न वेस्ट में होराइजन के करीब होंगे। जुपिटर और मार्स टॉप पर होंगे और आकाश पर राज करेंगे, और जैसे ही मरकरी सूर्य के करीब आएगा ये दृश्य टूट जाएगा। जनवरी 3 से 4 के बीच क्वाड्रेंटेड मीटियोर शावर होगी। 2023 की पहली मीटियोर शावर 3 से 4 जनवरी की रात को अपनी पीक एक्टिविटी पर पहुंच जाएगी। ये पर्सिड्स मीटियोर शावर जो अगस्त में है और जेमिनिड्स मीटियोर शावर जो दिसंबर में होती है की तरह ही होगी। ये साल की सबसे अच्छी उल्का वर्षाओं में से एक है। ये क्वाड्रेंटेड्स मीटियोर शावर पहली बार 1825 में देखी गई थी और उस दौरान 120 मीटियोर पर आवर की गति से मीटियोर शावर होती है। इस मीटियोर शावर से जुड़ा एक मूल ऑब्जेक्ट एक छोटा एस्ट्रॉयड है जिसे 1003 EH1 कहा जाता है। अगर आसमान साफ है तो क्वाड्रेंटेड्स को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सबसे अच्छा देखा जाता है। शावर देखने का सबसे अच्छा समय बुधवार सुबह का समय होगा। आपको शहर की रोशनी से दूर एक अंधेरी जगह का पता लगाना होगा ताकि इस वर्षा को अच्छे से देखा जा सके। आप इसे देखने से चूकिएगा नहीं, क्योंकि अगले कुछ महीनों में इससे प्रमुख कोई उल्का वर्षा नहीं होगी। 4 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के अपने क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी और औसत से लगभग 3 मिलियन किलोमीटर ज्यादा करीब है। 6 जनवरी, वुल्फ मून। 2023 की पहली पूर्णिमा। जनवरी के फुल मून को वुल्फ मून के नाम से भी जाना जाता है। 8 जनवरी, इस दिन चंद्रमा पृथ्वी से अपने सबसे दूर के पॉइंट पर पहुंच जाएगा और सामान्य से थोड़ा छोटा दिखाई देगा। 12 जनवरी को मार्स अपने रेट्रोग्रेड मोशन को समाप्त कर देगा। मार्स आकाश में अपनी वेस्ट की ओर मूवमेंट को समाप्त कर देगा और अपनी सामान्य ईस्टवर्ड डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। 21 जनवरी को 2023 की पहली अमावस्या होगी और ये दिन आकाश गंगाओं और नेबुला जैसे धुंधले ऑब्जेक्ट्स को देखने का मौका होगा। 22 जनवरी को यूरेनस अपने रेट्रोग्रेड मोशन को समाप्त कर देगा और अपने सामान्य ईस्टवर्ड मोशन में वापस आ जाएगा। जनवरी 22 से 23 वीनस सैटर्न कंजंक्शन। कैप्रिकॉर्नस के कॉन्स्टेलेशन में प्लैनेट एक दूसरे से 0.3 डिग्री के भीतर होंगे। इन्हें सूर्यास्त के तुरंत बाद साउथ वेस्ट में नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये 2023 में सबसे अच्छे प्लेनेटरी कंजंक्शन में से एक है। 31 जनवरी लूनर अकल्टेशन ऑफ मार्स। इस दिन चंद्रमा मंगल ग्रह के सामने से गुजरेगा और टेम्परली लाल ग्रह को छिपा देगा। ये अकल्टेशन संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, कोलंबिया और वेनेजुएला के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। मरकरी, मरकरी महीने के पहले वीक में शाम के समय वेस्टर्न आकाश में दिखाई देगा। वीनस, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वीनस शाम के समय वेस्टर्न आकाश में ऊंचाई हासिल करेगा। यह 22 से 23 जनवरी को शानदार प्लेनेटरी कंजंक्शन में सैटर्न के करीब से गुजरेगा। मार्स, मार्स अभी अभी हाल ही में अपोजिशन के करीब से गुजरा है और रात के आकाश में लाल रंग में चमक रहा है। जुपिटर, जुपिटर आकाश में ऊपर दिखाई देगा और जैसे जैसे शाम को आसमान में अंधेरा छा जाएगा इसे देखा जा सकेगा। सैटर्न, सैटर्न अपने सोलर कंजंक्शन के करीब पहुंच रहा है और शाम के समय साउथ वेस्ट में हल्का सा चमकता हुआ दिखाई देगा। यूरेनस, यूरेनस ने हाल ही में अपने अपोजिशन को पास किया है और यह रात के आसमान में ऊंचा देखा जा सकता है। नेपच्यून, नेपच्यून एक शुरुआती शाम का ऑब्जेक्ट है जिसे केवल टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है।